हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड एक बड़ा ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया है। नीट की काउंसलिंग में आपको कितने मार्क्स पर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ये पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बटन के साथ, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ कि नीट में कितने मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, नीट में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए MBBS के लिए और BAMS के लिए, BHMS के लिए, ये सारी अपडेट आपको कैटेगरी वाइज यानी OBC SC ST पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो देख लें सबसे पहले कि नीट में कितने मार्क्स पर मिलेगा कॉलेज, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सभी छात्र इस बार प्रश्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने फीस पर वो कॉलेज होगा और अगर उनके मार्क्स कम हैं तो किस तरीके से कम पैसों में उनको अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो कई गुना फीस ज़्यादा होने के कारण वो डॉक्टर बनने का सपना उनका अधूरा रह जाता है। तो इस बार जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नीट स्कोर कार्ड और कट ऑफ के माध्यम से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पात्रता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किस स्तर पर हैं। 355 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 52,218 MBBS सीटें हैं पूरे देश में। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपको कितने मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन आप किस कोटे के तहत किस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं इस पर यह काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपके 500 के ऊपर मार्क्स हैं, 500 से 650 के बीच में मार्क्स हैं, तो आपको नीट के लिए, नीट के माध्यम से एक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड तक आपको सरकारी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये रही कट ऑफ, परसेंटाइल आप देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST, जनरल EWS, PWD, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है। अब बात करते हैं कि हर वर्ष की तरह क्या इस वर्ष भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर MBBS कट ऑफ राउंड 1, MBBS कट ऑफ राउंड 2, MBBS कट ऑफ मॉपअप राउंड, इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। तो ये पूरी कट ऑफ दी हुई है ओपन OBC SC ST कैटेगरी की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी रैंक कितनी आई है उस रैंक के अनुसार यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी सीट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके 500 से कम मार्क्स हैं फिर क्या करेंगे, आपको कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आप ज़्यादा फीस देकर आप MBBS करने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए नीट कट ऑफ पासिंग मार्क्स 720 में 137, सामान्य PH 136 में से 121, जबकि SC ST OBC के लिए 136-107 है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।